Hey guys, welcome back to my channel Innovative Cooking. और आज मैं आपके साथ बिल्कुल प्रोटीन से भरपूर सोया पनीर फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और पैन में मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच घी। घी की जगह आप यहाँ पर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी ये जीरा और साथ में मैंने लिया है 2 से 3 लौंग। जीरा यहाँ पर क्रैकल होने लगा है तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है, और साथ में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 हरी मिर्च जिसको मैंने फाइनली चॉप किया है। इसे हम स्टर फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट के बाद यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होने लगा है और ये अच्छे से स्टर फ्राई हो गई है। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टमाटर जिसको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप किया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये सोया चंक्स। यहाँ पर मैंने अप्रॉक्स 20 सोया चंक्स लिए हैं जिनको मैंने 10 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रखा था। मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए गर्म पानी में भिगो कर रखा था एंड अभी मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया है एंड ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैं ये ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्टर कर लेंगे। मसाले बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं तो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से क्रम्बल्ड पनीर एंड साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर। इसे भी स्टर फ्राई कर लेंगे। ये होममेड पनीर है जिसको मैंने क्रम्बल कर लिया है, आप मार्केट वाली पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल्ड राइस, पके हुए चावल हैं। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल टेस्टी एंड फुल ऑफ प्रोटीन ये सोया पनीर फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी चटनी, अचार या रायते के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।